संत पिता पोप फ्रांसिस कहते हैं, खुशी ईश्वर का दिया हुआ स्वेच्छा स्वतंत्र दान है और वह संपूर्ण रूप से आंतरिक है। यह दान सबों के भीतर है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसान अच्छे फसल पाने की खुशी मनाता है, माता पिता बाहर रह रहे बेटे बेटों के घर आने की खुशी मनाता है, छात्र छात्राएं परीक्षा में पास होने एवं बच्चे छुट्टी पाने पर खुशी मनाते हैं। ख्रीस्त में मसीह माता पिता हो एवं भाई बहनों सबों को जय जीसु। आज हम लोग आगमन काल के तीसरे रविवार में हैं। आज की पूजन पद्धति हम सबों को खुशी आनंद उल्लास का रविवार पालन करने का निमंत्रण देती है, जो लैटिन भाषा में गौदाते रविवार कहा जाता है, क्योंकि प्रभु का जन्म पर नतिक आ रहा है। उसके आने का इंतजार हम सब बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। क्यों आनंद मनाना चाहिए, क्यों उल्लासित होना चाहिए? हम सबों को आनंद इसलिए मनाना चाहिए, खुशी इसलिए मनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया, जो हम सबों को प्रोत्साहित एवं आनंदित करता है, वही जो शाश्वत जीवन एवं सच्ची खुशी का स्रोत है। एक बार समुद्र के किनारे तट पर कुछ मछुआरों का गांव था। वहां मछुआरे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। वहां मछुआरे प्रतिदिन मछलियां पकड़े समुद्र में जाते थे। वे मछलियां पकड़ते सारी रात समुद्र में रहते हुए बड़े सवेरे भोर को अपने निवास स्थान को लौटते थे और जो कुछ भी मछलियां पकड़ते उसे बिक्री कर खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन अचानक शाम को घनघोर बादल छा गया, मूसलाधार बारिश होने लगी, आकाश में बिजली गर्जन और आंधी चलने लगी। डर भय के कारण सभी मछुआरा बस्ती स्त्रियां बूढ़े बच्चे अपना घर द्वार सब संपत्ति सब कुछ अपना जीवन बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। उसी दौरान गांव बस्ती में आग लग जाती है। इसी आग की रोशनी और बिजली की रोशनी से वे घनघोर अंधकार में गांव वाले सुरक्षित स्थान पहुंच जाते हैं। उनकी चिंता पुरुषों को भी थी, क्योंकि वे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। सुबह होने पर सभी महिलाएं बच्चे बूढ़े गांव पहुंचे। बस्ती लौटे तो अपने घरों को देखकर खुशी की सीमा नहीं रही, क्योंकि सब कुछ वे लोग सही सब कुछ उनका सही सलामत था एवं पुरुष भी सही सलामत घर लौट आए थे। पर गांव का एक ही परिवार गम में डूबा था, क्योंकि उनका परिवार संपत्ति पर उनका घर संपत्ति सारा कुछ जलकर खत्म हो गया था। इस पर उस घर के मालिक ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, यह तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे घर जलने के कारण ही तो सारा गांव बच पाया है। यदि हमारा घर ना जला होता तो शायद ही गांव के लोगों को या लोग सुरक्षित जगह पर वे जा पाते या संभव होता। इसलिए तुम्हें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित है। आज दुनिया सच्ची खुशी तीन चीजों में पाती है। पहला दूसरों के प्यार पाने से, दूसरा कुछ काम करने के माध्यम से, तीसरा आशा से। लेकिन प्रभु कहते हैं, जो खुशी देने में है वह खुशी पाने में नहीं है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 35 में हम पाते हैं, पर संसार के प्रत्येक व्यक्ति खुशी एवं संतोष की कामनाएं करता है। यह सही एवं उचित भी है कि सभी खुशी रहें, पर सभी संसारी खुशी शांति की खोज में लीन है, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, विवाहित हो, अविवाहित हों, आलसी हों या कंजूस हों, अमीर हो या गरीब हों, गोरे हों या काले हों, सभी लोग खुशी की खोज में व्यस्त हैं। जो भी खुशी यह संसार दे सकता है, सब कुछ क्षणभंगुर है।
जैसे दुनिया की सभी आकर्षक चीजें, धन दौलत, ऐश आराम, सफलता, कामयाबी, दोस्त यारी, ये सब के सब दुनियावी चीजें सीमित वचन भंगुर है। अनुभूतियां सब समय के अनुसार बदल जाता है, जो संचय करे रहते हैं क्षणिक है, इसलिए सच्ची एवं अनंत आनंद की खोज में लगे रहना चाहिए। सच्चा ख्रिस्त विश्वास हम सबों को कभी भी बनावटी लंबा चेहरा बनने नहीं देता, वह हमेशा खुश और आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह कौन सी चीज है जो हमें सच्ची खुशी दे सकता है? उसे हम कहां पाएंगे? उस शाश्वत खुशी को हम केवल और केवल प्रभु में ही पा सकते हैं, जो इस आगमन काल में आने वाले हैं। आज के पाठ में इसायस नबी के अध्याय 61 पद संख्या 2 से 10 में हम सबों को इसायस नबी आह्वान करते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मैं ईश्वर में आनंदित हूँ पूरे हृदय से, क्योंकि वह मुझे मुक्ति के कपड़े से ढांकता है, जैसे वह पगड़ी से एवं वधु को आभूषण माला से सुशोभित करता है। उसी प्रकार प्रभु हम सबों को आध्यात्मिक एवं धार्मिकता के कपड़े पहनाएगा। पृथ्वी फसल उपजाएगी, उसी प्रकार उपजाती है, उसी प्रकार प्रभु हम सबों को धार्मिकता का फसल हम में उगाएगा। कोई भी मनुष्य ईश्वर में ईश्वर से हमें नहीं भटका सकता। जब हम ईश्वर में एकाग्रचित होंगे, हमें कोई भी संसारिक शक्तियां, दोहरी जीवन जीने एवं व्यक्तिगत जीवन की लालसा, बुराइयां, घमंड, पाप इत्यादि, जब हम सत्य और अच्छा ख्रिस्त जीवन जीना शुरू करें। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, मन हृदय शरीर से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें, जिससे प्रभु के आने पर हम योग्य पाए जाएं। यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आज पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है। इस बीमारी के कारण हम सभी किसी ना किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। घर, परिवार, टोला, गांव, समाज, पूरा विश्व इससे अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रभु के आने की खुशी का अनुभव हम कैसे करें एवं कैसे नैतिकता से प्रभु को जगा दें? पहले एक साथ संगठित होकर पर्व मनाते थे, पर आज हम सब प्रार्थना, त्याग, तपस्या के माध्यम से आज के चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ सदा रहते हैं। जीवन कभी भी एक सम्मान नहीं होता, दुख का या खुशी का। संत पौलुस हमें दो प्रकार की खुशी को खोजने का रास्ता बतलाते हैं। पहला, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। डर हो, भय हो, भविष्य की चिंता, हताशा, निराशा, सफलता, कार्य इत्यादि में प्रार्थना ही जीवन को नियंत्रण करता है, विश्वास को बढ़ाता एवं खुशी देता है। दूसरा है, कृतज्ञता एवं धन्यवाद हृदय। सभी परिस्थितियों में ईश्वर को धन्यवाद एवं स्तुति करना है। उस मछुआरे के समान जिसका घर चला, जीत हो या हार हो, खुशी हो या सफलता, दुख कष्ट एवं आनंद में या उतार चढ़ाव, सभी स्थिति में ईश्वर के प्रति सदा रखना चाहिए। ईश्वर प्रभु कभी किसी से सामाजिक दूरियां नहीं करता, सबों को एक समान प्यार एवं खुशी देता है। सुसमाचार में योहन बपतिस्ता हमें प्रायोगिक उदाहरण देते हैं पश्चाताप एवं नम्रता का। मैं ख्रिस्त नहीं हूं, मुक्तिदाता भी नहीं हूं, मैं वही हूं जो पुराने व्यवस्था में नबियों ने कहा है, मैं नया मूसा नहीं हूं जो आने वाला है, मैं तो केवल एक आवाज हूं जो मरुभूमि में गूंजता है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, पथ उसके लिए पथ सीधे कर दो। प्रभु में कोई दोहरा चरित्र नहीं। शिष्यों ने देखा और सब कुछ जोहन बपतिस्ता को बतलाया। यूहन्ना अध्याय 3 पद से 31 में पाते हैं, या उचित है कि वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। एक बार मदर तेरेसा को पूछा गया नोबेल शांति पुरस्कार पाने के बाद में कि आपकी खुशी की पहचान क्या है। उन्होंने कहा, मैं जन्म से अल्बेनियन हूं, नागरिकता भारत की है और बुलाहट से मैं पूरे विश्व की हूं।
क्योंकि मैं धर्म संगिनी हूँ, मैं पूरी तरह ख्रिस्त के हृदय की हूँ, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। गोल पोस्ट के बिना फुटबॉल खेल का अनुमान कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि गोल पोस्ट के बिना फुटबॉल खेलना अर्थहीन है। उसी तरह लक्ष्य के बिना जीवन शून्य है। इसलिए दर्शन शास्त्री सुकरात कहते हैं, चिंतन के बिना जीवन अधूरा है। जीवन को जो मुड़कर नहीं देखता उनका जीवन अर्थहीन होता है, फुलटन सिंह कहते हैं। इसलिए इस आगमन काल में हम अपने आप को झांक कर नहीं देखते हैं तो सही मायने में प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए हम तत्परता एवं सजगता से प्रभु ख्रीस्त के जन्मदिन की प्रतीक्षा खुशी को पाने के लिए कोशिश करें एवं उसी खुशी को स्वेच्छा से दूसरों को भी बांटे। सरस्वतीमान प्रभु जो जन्म लेने वाले हैं आप सबों को आशीर्वाद दें। आमीन।